कामना है वो सफल हो जाए, वो भगवान का रूप में हमारा छोटा स्वामी जी का भगवान अनुग्रह कैसा बना स्वामी जी को, रात में माँ का स्वप्न में आता है, कब क्या होता है सभी बोलता है। इसी तरह एक व्यक्ति के लिए कभी 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 थोड़ा व्यवस्था की भी बोल रहे हैं, वो क्या बोला है ऐसा ही होगा। अभी तक वो कोरोना के पहले स्वामी जी कोरोना तर बीमार आता है बोल दिया, ये बचाने के लिए क्या कर रही सभी बोल दिया। प्रिया तेलुगु भगवत भक्तुलारा मन ओक भाग्यवशन हस्तिनापुर संकल्प विश्वशा महायागा परम पूज्य श्री 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 विजय दुर्ग पीठाधिपति गाबुगार अनुग्रह तो वार्वहितुड़ वो पेदवार तुम्बई संवत्सर पैबड़े वयस कड़क वे इबंधी वो तम उप पीठाधिपति सुनील स्वामीजी पंपार वो मन को अद्भुत सदेश मन जीवन विधा मन आर्थिक विधा बसमान तक मंत्री आशीस अंदजे स्वामीजी को। लेडीज एंड जेंटलमैन हाउ डी चिल्ड्रन्स लास्ट 3 इयर्स बैक भावना समिति दिस इज वेरी गुड ऑपर्चुनिटी डे वेरी ग्रेटफुल डे बिकॉज हमको याद आ रहा है ना सभी लोग है ना पता है हमारा धर्म कैसा है ना हमारा धर्म कैसा है ना भगवान को जो मानव का धर्म पालन करने के लिए जो जो भगवान की भक्ति के बारे में हर एक क्षेत्र में जो काम जो भगवान की पूजा चलना है जब तब भूल जाएंगे तब ऐसा एक नमो सद्भावना और श्री राम कर्मण्यास को सिद्ध आश्रम जैसा ऑर्गेनाइजेशन आके फिर हमको एक बार याद करके क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं करें तो अभी जो बच्चे वाले हैं बच्चे को अभी किसी को भी भगवान के बारे में भक्ति के बारे में कुछ नहीं मानता तो सिंपल क्या है कि अरे अपना माता पिता जी पूजा कर रहे हैं हम भी सोच रहे हम इतना बड़ा एज में पूजा कर रहे हैं लेकिन बच्चे को अभी क्यों लेकिन बच्चा पैदा होने के पहले ही हम भक्ति के बारे में उन लोगों को सिखाना जरूरी है। ये सिखाने के लिए हम श्री रामचंद्र जी की आदर्श का पालन करना पड़ता है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। माता जी का विजय दुर्गा माता जी का एक खटमाला बोल के सबको मालूम होगा खटमाला बोल के एक बहुत बड़ा नाम 180 नाम वो 80 नाम पे एक तो श्री रामानंदमय नाम बोल के एक नाम है। मैं जब उसको पूरा क्या है इसको सर्च करने के बाद पता हुआ कि श्री रामचंद्र जी ने स्वयं श्री ललिता माता जी का उपासन किया है। उपासन करने के बाद उनको इतना शक्ति मिला अच्छे गुरु मिला और बाद में अच्छे देवी सीता माता मिला अच्छे भाई ये सब को मिला के हम खुशी होना क्यों रामचंद्र भगवान को हम आदर्श लेना है क्यों आप रामचंद्र भगवान को आदर्श लेना है। मैं श्री रामचंद्र की भक्त इसके लिए कि श्री रामचंद्र जी ने पिताजी का आज्ञा का पालन किया है और इसका पौता की आज्ञा भी पालन किया है। जब पिताजी ने बोला मैं
ये सब प्रमाण दिया है आप पर वनवास को जाने के लिए, कुछ भी नहीं बोला। बहुत खुशी बात है, मैं जरूरी जाऊंगा। तब भी पिताजी ने बोला नहीं जाने का, लेकिन पिताजी का आपने पहले जो दिया है वो पालन किया। ये हर एक जीवन व्यवस्था में अपने माता जी को, अपने पिताजी को, जो भी उसको पूज से प्रमाण करके हर एक दिन उसको पूज करता है, रामचंद्र जैसा, श्री रामचंद्र जैसा अपना भी संस्कार जैसा बड़ा हो जाता है। श्री रामचंद्र का कुछ स्वार्थ नहीं है, कुछ भी स्वार्थ नहीं है। जो भी उनके बारे में, मैं भी आपके साथ जंगल आऊंगा पूछने के बाद, और उस बार मजबूरी के साथ, और सीता माता भी मजबूरी के साथ जब पूछा था, तो इसके लिए उन लोगों ने पूछने के बाद उन लोगों को लेके गया, तो मुझे आपका हेल्प चाहिए, आप भी आए, नहीं पूछा उनको, क्योंकि उसके मालूम है कैसा मैनेज करने का। ऐसा ही गुरु जी का पालन हक हर एक छोटे बच्चे के साथ, बड़े वाला मिनिस्टर भी अपना गुरु जी को कैसा, अपना गुरु जी को कैसा रेस्पेक्ट देना है, उन लोगों को श्री रामचंद्र ने दिखा दिया। साक्षात वशिष्ठ भगवान की और महर्षि के घर पे गए, उन लोगों के साथ वशिष्ठ महामुनि के साथ जब सीखा है वो सब कुछ, को जो धर्मपाठ सब कुछ सीखा है, गुरु जी को कभी भी एक बार भी नहीं माना। सब कुछ वो जो आपने की वैसा की, हम भी अपना टीचर को ऐसा रेस्पेक्ट देने के लिए। रामचंद्र जी ऐसा है। दूसरा, विश्वामित्र जी ने जब पूछा है राक्षस संहार के लिए, उसके लिए गया है, लेकिन इसका वीर प्रताप दिखाने के लिए नहीं गया, क्योंकि रामचंद्र विश्वामित्र का पालन किया है, जो आज्ञा है वो पालन किया है। इसके लिए सीता माता का उन्होंने शादी की कि विश्वामित्र जी ने उनको लेके जाके, वो जनक जनक महाराज के साथ लेके जाने के बाद उधर उधर लेके जाने तक भी उसको नहीं मालूम सीता माता का शादी के लिए। और इसके लिए ये जो अपना फ्रेंड से अपना अपना क्लास करते हैं, सुग्रीव को प्रमाण दिया है आपको राज देने के लिए, तो भी वाली ने पूछा, वाली क्या पूछा, वाली ने बोला अगर आप बोले तो रावण को मैंने खुद ही हार के मैं सीता माता को ले आ सकता है ना, क्यों आपने मुझे नहीं पूछा। तब श्री रामचंद्र ने बोला धर्म की आज्ञा, क्या मालूम है धर्म की आज्ञा, धर्म का मतलब है अपना काम अपने खुद ही करने का। वो का धर्म क्या होता है, हम 100 रुपया भी कमाएंगे तो 50 रुपया अपने घर के लिए वो यूज करना है, 25 रुपया हमें ये देश के लिए जो भी टैक्सेस है उसको पे करने के लिए, और जो 25 रुपये बाकी है वो दान देने के लिए। वो दान ऐसा देने के बाद अपना परंपरा में भी, पूरे व्यवस्था में भी सब लोग उनके माता पिता का आशीर्वाद से उन लोगों का प्रधान के भी बहुत उन्नति में जाएगा। यही एक मानव का धर्म। ऐसा ही श्री रामचंद्र ने वाली को बोला, आपने धर्म नहीं माना, आप क्या किया, वो आपने सुग्रीव को हारने के बाद, हराने के बाद उसका बीवी को भी ले गया, और जो आपने धर्म जब न किया है इसके लिए मैंने खुद ही आपको आपका बात भी नहीं माना। ऐसा ही रावण के पास जाने के बाद भी, रावण के पास भी एक बार पूछा, संधि के लिए पूछा, उसको युद्ध करने का इच्छा नहीं है, क्योंकि श्री रामचंद्र का एक ही बात है, एक ही माता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हम जो भी अपने पास जो काम देते हैं वो खुद ही करना है। ऐसा करने के लिए हमें कभी भी कोई भी अपना को एक पालन करने के बाद वो आपने काम हमें शुरू एक्सेप्ट करना है, एक बार हमें एक्सेप्ट किया तो करना ही पड़ता है, वही श्री रामचंद्र। इसके लिए आज हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी को इतना प्रार्थना कर रहे हैं, अयोध्या के लिए, अयोध्या निर्माण के लिए हम लोग बहुत हम लोग वेट कर रहे हैं कि एक बार और बोलना है, इस देश में हिंदू जागरण बहुत और जाना पड़ता है ऊपर जाना के लिए, श्री रामचंद्र फिर आने के लिए, हम अयोध्या में आने के लिए, और एक बार उसको हम भी प्रार्थना में बदल देते हैं। बोलिए सब लोग
बलम श्री राम प्रवर्तताम, बलम श्री राम प्रवर्तताम, बलम श्री राम प्रवर्तताम, बलम श्री राम प्रवर्तताम। हरेक दिन आप अपने घर पे बैठ के एक बार ऐसा स्मरण कर लीजिए, जो आपकी प्रार्थना से भगवान की शक्ति और विधुविक रूप में जागृत होने के बाद उत्तर भारत देश से दक्षिण भारत देश तक शंकर भगवत पाद के तीन बार उन्होंने पैदल में जाके जो भी स्वामी जी ने इतना कर्म करके अष्टादश पीठ बनाए और उसके साथ साथ हर एक प्रदेश में अपना तो जो सैंक्टिटी है वो और एक बार पुनरुत्थान होना है। इस देश की व्यवस्था और आगे जाके अपना हिंदू धर्म पूर्ण सृष्टि में भगवान की इच्छा से और आगे जाने के लिए हम हर एक दिन अभी ये जो नमो सद्भावना ये पांच दिन होगा, फिर अगले वर्ष में ये पांच दिन जब करने वाला है उस तक आपके मन पे इधर जो हुआ है वो स्मरण हर एक दिन होने के साथ ही अगले वर्ष में फिर भी आप इधर आ जाएंगे तो आपका कुटुंब परिवार भी बहुत बहुत उन्नति में हो जाएंगे। मैं प्रमाण करके बोल रहा हूँ, भगवान को कभी नहीं छोड़ना। और आपके पास बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है आपके पास, उन लोगों को पहले आपने क्या करना है कि हॉलीडेज अभी समर हॉलीडेज दे रहे हैं उन लोगों को, समर हॉलीडेज देने के बाद पहले वो बच्चे से आप पहले बैठ लीजिए, मोबाइल सब कुछ आप फेंक लीजिए। अभी मोबाइल बहुत बहुत बड़ा इशू हो गया, मोबाइल में सीरियल, मोबाइल में गेम्स, मोबाइल में सब कुछ, ये सब कुछ आप फेंक लीजिए। बच्चे से आप बैठिए, बच्चे से बात कर लीजिए, बच्चे को खाना कैसा खिलाने हैं और हमें छोटी छोटी उम्र में क्या किया है, साइकिल कूदी हमें, क्रिकेट खेला है, ग्राउंड में गए हैं और बाद में साइकिल कूदी खेला है। अभी क्या बच्चे गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन गेम पे खेल रहे हैं, मोबाइल पे सीधा नहीं जा रहे हैं, उसको एक्सरसाइज कैसा करना है दिखाना पड़ता है और खाने के बाद वो प्लेट कैसा साफ करना है, ऐसा सब कुछ उन लोगों को दिखा दीजिए। और बाद में ये हॉलीडेज में कुछ फेस्टिवल्स आ जाता है और फेस्टिवल्स में भी उन लोगों को जैसे भी क्या क्या अपना फेस्टिवल है उन लोगों को सबको वो सब कुछ उन लोगों में, क्योंकि उस आपके बाद वो बच्चे ये माना है कि फेस्टिवल क्या है। और उसके साथ साथ वो बच्चे के लिए प्लांटेशन, जो भी अभी प्लांटेशन का बहुत ज़रूरत है, ये दो या तीन महीने आप बच्चे में बहुत कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। मैं माँ दुर्गा को प्रणाम कर रहा हूँ, जो भी आज इधर ये नमो सद्भावना और श्री राम परमन्यास सिद्धाश्रम दोनों मिला के और स्वामी सब लोग मिला के जो भी अभी ये प्रोग्राम अभी इधर कर रहे हैं, इसके जो भी अभी आया है लोगों को माँ कृपा से सब कुछ भलाई होना है, आर्थिक शारीरिक मानसिक सर्व संक्षोभ हो निवारण करके माँ की कृपा से आपको सब कुछ, माँ की कृपा से सब कुछ अच्छा होना है, भगवान की कृपा से आपको सब कुछ भलाई होना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदगी भी स्वामी जी संदेश सुनने के बाद आप देखो एक साल से पहले तुरंत आपका जिंदगी में इसी साल में आपको सकल ग्रह छोड़ा, सकल ग्रह पीना छोड़ रहे हैं, सकल कार्य सफल होता है। आपको एक बच्चे है उनका एजुकेशन काम सक्सेस होता है, एक बिजनेसमैन है तो उनका बिजनेस का काम सफल होता है, सभी कार्य तुरंत सफल होता है। जय श्री राम, भगवान का आश्रय ले, भगवान का आश्रय ले, परमात्मा का विजय हो सकता है।
चलो 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 ఆస్తులు సంపాదించుకున్నాడో ఆ కొడుకులు ఆ ఆస్తులు కూడా వాళ్ళు ఆక్రమించుకుంటారు. ఈ రకంగా అటు రాజుగారి యొక్క మొత్తం ప్రశ్న అయిపోయి ఇద్దరు కూడా అడవి పాలైపోతారు. వీళ్ళిద్దరు ఒక దగ్గర మేధస్సు అనేటువంటి ఒక ఆశ్రమంలో కలుసుకుంటారు. విశేషుడు యొక్క మేధుడు అనేటువంటి ఒక విశేషుడు యొక్క ఆశ్రమంలో కలుసుకుని ఒకరినొకరు పరిచయాలు చేసుకున్న తర్వాత మరి ఎందుకు రాయి అని వాళ్ళు అనుకున్న తర్వాత రాజుగారు తన సైన్యమే తన రాజ్య పరిష్కృతి చేసి ఊళ్ళో రాజ్యులు కలిసి రాజుగారిని అడుగుతారు ఏ మంత్రులైతే బయటికి వెళ్ళగొట్టారో పిల్లలకు నా వంశానికి ఇద్దామంటే ఆ పిల్లలే ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళగొట్టారు అయినా నాకు వాళ్ళ మీద అవకాశం ఎందుకు పోవట్లేదు అని చెప్పి ఆ సమాధి అనేటువంటి విషయుడు అంశమే ఈ కథారూపము. ఇదే మమకారానికి మూలభూతం. ఎన్ని ఎన్ని ఒడిదుకు వచ్చినా తర్వాత ఎందు తన ఎందు మమకారం చాలా అలాగే పట్టుకొని ఉంటుంది. ఆయన యుద్ధ విద్యలో టెస్ట్ పెట్టలేదు ఏమీ అని వీళ్ళు అంతా కూడా చాలా ఉత్సాహంగా రాత్రి